गाइस, तो मैं जस्ट अभी मेरा शार लेके आई हूँ और शार लेते हुए मैंने आज मेरे बालों को कुछ ट्रीटमेंट दिया है। मतलब ट्रीटमेंट तो क्या बोलेंगे, आप देख के समझ सकते होंगे। ये देखिए कितना ज़्यादा चमक, बाउंस और सॉफ्टनेस है मेरे बालों में। ड्राइनेस, फ्रिजीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मैंने ऐसा तो क्या यूज़ किया, तो वही बस आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि अभी तक पर्पल से कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लेकिन अभी वहां से डिलीवरी शुरू हो गई है चीज़ों की। और जो एसेंशियल चीज़ें हैं लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, मास्क वगैरह, तो जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं, उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। तो जो भी ऑफर होगा वो सब जो भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑफर यहाँ भी मिल जाएगा। सो चलिए फिर आपको बताती हूँ आजकल हेयर केयर में किस तरह से कर रही हूँ और आज मैंने मेरे बालों में क्या यूज़ किया है जो बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी और सिल्की हो गए। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा चमक आ चुकी है इस कैरेटिन शैम्पू और कैरेटिन क्रीम यूज़ करने के बाद। मैं शार लेके आती हूँ, शैम्पू करके आती हूँ और मेरे बाल अच्छे लग रहे होते हैं तो हमेशा कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये होता है कि दीदी आपने आज क्या यूज़ किया था, बाल अच्छे लग रहे थे। तो आज तो मुझे खुद ही पसंद आ रहे हैं बाल, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ना बताऊँ। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सॉफ्टनेस आ चुकी है। तो लग तो ऐसे रहे कि जैसे मैंने कुछ ट्रीटमेंट किया है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, इसे रेगुलर यूज़ की चीज़ है, लेकिन चीज़ बहुत ही अच्छी है। तो कैरेटिन, कैरेटिन का नाम तो किसने नहीं सुना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास है कुछ चीज़ें। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि दीदी आजकल आप आपके हेयर्स का केयर कैसे कर रहे हो, इतने शाइनी लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, सिल्की लग रहे हैं, क्योंकि आजकल समर्स में बालों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो जाती है, लाइक पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं जिस वजह से बाल काफ़ी बेकार हो जाते हैं, झड़ने भी लग जाते हैं पसीने की वजह से। तो ये तो हैं कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो आपको यूज़ करनी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे मैं बहुत ज़्यादा रिलाई करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और हमेशा आपको बताती हूँ उनके बारे में। लेकिन साथ साथ आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले मैं बताती हूँ आजकल मेरी हेयर केयर में कौन से प्रोडक्ट्स के साथ कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी डायरी रखी हुई थी, क्योंकि मैं कुछ नोट डाउन कर रही थी, हिसाब वगैरह लिख रही थी। आजकल लॉकडाउन है तो चीज़ें जो है लिखनी पड़ती हैं कहाँ क्या खर्चा हुआ। तो आज कुछ बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये देखिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं आजकल क्या क्या चीज़ों से मेरी खुद की केयर कर रही हूँ। और प्रिशा के लिए भी पूछा था कि प्रिशा क्या यूज़ कर रही है, क्योंकि प्रिशा को जनरली सबको पता है डैंड्रफ का इशू है, तो वो कौन सी चीज़ें यूज़ करती है वो भी दिखाती हूँ आज। और मैं कौन सी यूज़ कर रही हूँ आजकल समर्स में, तो वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए क्या है मेरे हाथ में, ये है गुड वाइब्स का। अच्छा, गुड वाइब मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रांड है, और वो क्यों है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा, क्योंकि इनकी चीज़ों में कोई पैराबिन नहीं होता, यहाँ लिखा हुआ है नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्थ होती हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं हम ऐसी चीज़ों पे जिन पे पैराबिन नहीं होता, सल्फेट नहीं होता, क्रुएल्टी फ्री होती हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा, आप देख सकते हो प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे हाथ में है जो मैंने आज यूज़ किया है। तो एक तरह से मेरे बालों को इन्होंने जो है क्या बोलते हैं स्मूदन कर दिया है, क्योंकि कैरेटीन जो है वो बेसिकली फ्रिजी बाल और जो डैमेज बाल होते हैं, ड्राई बाल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देती हैं जब हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो यहाँ मेरे हाथ में गुड वाइब्स का कैरेटीन नरिशिंग शैम्पू और ये है गुड वाइब्स का कैरेटीन का हेयर क्रीम, जो कि आपके बालों को स्ट्रेटन करती है, स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रेंथ देती है, बालों को मजबूत बनाती है और ड्राइनेस और फ्रिजीनेस को कम्प्लीटली भगा देगा ये दोनों चीज़ें। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जब हम ऐसी कोई चीज़ यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने बोला जिसमें पैराबिन सल्फेट नहीं होता है, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं जब हमारी स्किन और बालों पे यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको मेरा हेयर केयर रूटीन आजकल क्या है वो बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको मेरा स्किन केयर रूटीन बताऊंगी जो कि समर्स में मैं फॉलो कर रही हूँ, और कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ वो भी मैंने आपको मतलब कुछ रिक्वेस्ट आए हुए हैं उसके लिए भी। तो एक तो आज मैंने ये यूज़ किया है, ये वाला शैम्पू यूज़ किया है और ये वाला हेयर क्रीम यूज़ किया है। किस तरह से यूज़ करना है सब डिटेल्स आपको बैक साइड लिखी हुई मिल जाएंगे। इसकी बात करूँ तो 185 रुपीज़ प्राइस है, लेकिन अभी वहाँ पे चल रहा है ऑफर, तो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा। सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो अभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। कैरेटीन जो होता है वो स्पेशली फॉर्मुलेटेड होता है फॉर फ्रिजी एंड जो डिटैंगल करना होता है ना बालों को, नॉट पड़ जाते हैं, उलझ जाते हैं, उन बालों पर वर्क करता है। आपका जो फ्रिजीनेस है उसको भगा देगा, ड्राई डैमेज बालों को रिपेयर करेगा, इसके साथ साथ आपके बालों को डेली डैमेज से बचाएगा और जो टूट जाते हैं ना बाल वो भी उनसे भी बचाएगा और बालों को सॉफ्ट और सिल्की करेगा, जो कि मैं देख सकती हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस और बहुत ज़्यादा सिल्की हो चुके हैं मेरे बाल इसको यूज़ करने से। ठीक है, किस तरह से यूज़ करना है, जैसे कोई भी शैम्पू आप करते हो आपके बालों को गीला कर लेना है, उसके बाद आपको ये देखिए पंपिंग फॉर्म में आ रहा है और काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है। और ये कलर मैं आपको बताऊँ मैं कैसा है, मैं दो तीन बार यूज़ कर चुकी हूँ, हल्का सा पिंकिश पीचिश बोल सकते हैं,
यहाँ आप देख सकते हो कलर पीचिश, लाइट पीच कलर का है, तो ये काफ़ी अच्छा है। आजकल आप इसे यूज़ कर सकते हो और इसी का मैं हेयर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। हेयर क्रीम यूज़ करने से हमारे बालों की जो फ्रिजीनेस है और जो ड्राइनेस है वो दूर हो जाती है, सभी को पता होगा। ऑयल की जगह पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ओनियन हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल, और ये मेरा दूसरा बॉटल है। एक बॉटल मैं फिनिश कर चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा बॉटल है। मैंने एक साथ दो बॉटल्स मंगवाई थी क्योंकि गुड वाइब्स में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। इसके अलावा एक दो ब्रांड्स और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ, और जो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब वो ब्रांड भी इन्हीं की तरह है जिसमें कोई पैराबिन कोई सल्फेट नहीं होता, एकदम प्योर होते हैं, लेकिन ये काफ़ी बजट फ्रेंडली हैं। गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी बजट फ्रेंडली होते हैं, तो हर कोई उन्हें परचेज कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ओनियन का हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। अभी ओनियन हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, ये आप सबको पता है, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ओनियन है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, प्रिवेंट करती है हेयर लॉस को, और आपकी जो ब्रेकेज है उसको रिड्यूस करती है, और आपके हेयर्स को हेल्दी शाइनी लस्ट्रस बनाती है। सभी हेयर टाइप के लिए सूट करेगा। किस तरह से यूज़ करना है, जैसे कोई भी आप ऑयल करते हो आपके हेयर्स को सेक्शन बाय सेक्शन अप्लाई करना है और फिर मसाज कर देना है। इस पे जो बेसिकली लिखा हुआ है वो बता रही हूँ, वैसे सबको पता है कि ऑयल इसी तरह से यूज़ किया जाता है। पहले आप जड़ों में लगाइए, उसके बाद एक अच्छी सी मसाज दीजिए, और नेक्स्ट डे शैम्पू कर सकते हैं या एक घंटे के बाद कर सकते हैं। तो ये आपके बालों का जो हेयर फॉल है उसको काफ़ी हद तक कम करेगा, काफ़ी हद तक कम करेगा। टेक्सचर दिखा देती हूँ हेयर क्रीम का, ये मैंने अभी दो बार यूज़ कर लिया है, तो आप देख सकते हो काफ़ी ख़त्म हो गया है साइड पे से, तो ये काफ़ी अच्छा है। ओके, टेक्सचर एकदम क्रीमी है, और आप जैसे शैम्पू किया आपने तो आप इसको लगा के छोड़ दो 10 मिनट के लिए। इस पे लिखा हुआ भी इसी तरह से है कि आफ्टर शैम्पूइंग अप्लाई हेयर क्रीम इवनली थ्रो आउट हेयर विद योर फिंगर टिप्स, लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड वॉश इट ऑफ, ठीक है। तो ये इस तरह से है। आगे आगे बरसात आ रही है, गर्मियों में भी बाल किसी को बहुत झड़ते हैं और बरसात में भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अब बात करते हैं फटाफट से प्रिशा की। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे प्रिशा क्या यूज़ कर रही है, तो प्रिशा यहाँ पे देखिए ये गुड वाइब्स का ही है टी ट्री डेंड्रफ क्लेंजिंग हेयर क्रीम, तो ये वाली हेयर क्रीम यूज़ कर रही है जो कि डेंड्रफ क्लेंजिंग के लिए बहुत ज़्यादा काम में आती है। इसके अंदर है टी ट्री एसेंशियल ऑयल, और ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे डेंड्रफ को रिमूव करने में, स्कैल्प को क्लेंज करने में। तो इसके अंदर बेसिकली जो मेनली है वो दैट इज़ टी ट्री ऑयल, और इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ लिखी हुई हैं बैक साइड पे। एब्जॉर्बिंग हेयर क्रीम आपके डेंड्रफ को दूर रखता है, डेंड्रफ को क्लीन करेगा ये क्रीम, और आपकी जो स्कैल्प है उसको हेल्दी रखेगा, एज वेल एज आपके जो डैमेज हेयर हैं उनको रिपेयर करेगा, और जो आपके बाल हैं उनको हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। तो आपके बाल काफ़ी अच्छे हो जाएंगे रेगुलर यूजेस से इसके। तो कैसे किस तरह से यूज़ करना है, इसको भी सेम तरह से यूज़ करना है। आफ्टर शैम्पूइंग अप्लाई हेयर क्रीम इवनली थ्रो आउट द हेयर विद योर फिंगर टिप्स एंड लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड वॉश इट ऑफ। तो ये भी उसी तरह से यूज़ करनी है शैम्पू करने के बाद। बट प्रिशा इसको एवरी ऑल्टरनेटिव टाइम यूज़ करती है, नॉट एवरी टाइम, एवरी ऑल्टरनेटिव टाइम। ओके, इसके बाद में आता है गुड वाइब्स का कोकोनट हाइड्रेटिंग शैम्पू। तो ये जो है ये प्रिशा यूज़ कर रही है क्योंकि ये हाइड्रेटिंग शैम्पू है, उसके बाल काफ़ी रफ हैं। कभी कभी मैं भी इसे यूज़ कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कैरेटिन वाला यूज़ कर रही हूँ, कभी मैं ये वाला भी यूज़ कर लेती हूँ। इसकी एक बड़ी बॉटल मैं फिनिश कर चुकी हूँ, पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ बड़ी वाली बॉटल, वो फिनिश हो गई थी तब मैंने ये वाला मंगवाया था। तो ये काफ़ी अच्छा है कोकोनट हाइड्रेटिंग शैम्पू, बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सिल्की बना देता है क्योंकि इसके अंदर है कोकोनट, तो ऑब्वियसली तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पर आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे रेकमेंडेशन पे, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें बताती हूँ ये ही नहीं, इसके अलावा भी मेरे चैनल पे अगर आप कोई प्रोडक्ट देखोगे तो वो सच में अगर अच्छा होगा ना तो ही मेरे चैनल पे आप देखोगे। अगर आपको उससे कुछ फ़ायदा होने वाला होगा, मुझे कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो ही मैं आप तक पहुँचाऊँगी, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। इतनी चीज़ें आजकल हेयर केयर के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं और प्रिशा, मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ और प्रिशा ये सब यूज़ कर रही है, और इसके अलावा कुछ घर के बने हुए DIYs भी हम लोग यूज़ करते रहते हैं जो कि मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर भी करती रहती हूँ, जैसे कि दही मेहंदी, और प्रिशा को मैं लेमन जूस डाल देती हूँ कभी कभी डंडफ के लिए। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, बिकॉज बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज ये बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जो चीज़ें नेचुरल होती हैं वो मैं आपको रेकमेंड किया करती हूँ। लेकिन अपार्ट ऑफ दैट गाइज, आपका जो हेयर केयर रूटीन है उसको आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर्स, एज वेल एज वॉट यू कैन डू गाइज, एवरी आई थिंक वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक अप्लाई हेयर ऑयल एटलीस्ट एट नाइट, यूज़ हेयर मास्क, एंड
कुछ लोग सोचते हैं कि हम जो है हफ्ते में एक ही बार शैम्पू करें दैट इज़ इनफ. नो दैट्स नॉट इनफ. गर्मियों में स्पेशली, विंटर्स में आप एक बार को ऐसा कर सकते हैं लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं. तो गर्मियों में आपको क्या करना है, गर्मियों में आपको कम से कम वीक में 2 से 3 बार, 2 बार तो कम से कम शैम्पू करना ही है. अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली हैं या गंदे हो गए हैं या पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, चिपचिप हो गए, क्योंकि अगर आप बालों को ऐसे ही छोड़ देंगे पसीने वाला चिपचिप वाला तो उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट होगी, एज वेल एज पसीना अगर कॉन्स्टेंट आता रहेगा तो नेचुरल सी बात है जब हमारी स्किन पे पसीना आता है तो हम उसे साफ़ करते हैं. इट मीन्स कि इसको साफ़ करना चाहिए, और अगर ये साफ़ नहीं होगा तो फिर ये आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये सब चीज़ों में डाल सकता है. सो जितने भी ये प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड सभी बहुत अच्छे हैं. और अभी वहाँ पे चल रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला ऑफर जो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, क्लिक करके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको वैसे काफ़ी महंगी मिलती हैं हो सकता है इस टाइम पे आपको सस्ती मिल जाए. सो गाइज, होप आप लोगों को ये सारे प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और आज यही दोनों चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिया है. तो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हैं. काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी मेरे चैनल पे कि दीदी गुड वाइब्स के कुछ प्रोडक्ट को रिव्यू कीजिए, आपके हेयर केयर रूटीन को बताइए, आपके स्किन केयर रूटीन को बताइए. तो सबसे पहले मैंने मेरा हेयर केयर रूटीन आज शेयर कर दिया है, और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ जो ऑन एंड ऑफ आपको बताती रहती हूँ, लेकिन ये प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. गुड वाइब्स वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट, यू नो दैट. तो जितनी भी चीज़ें आज बताई हैं बहुत ही अच्छी हैं, आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों पे. और अभी वहाँ पे ऑफर्स अच्छे चल रहे हैं, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ खरीदने की इच्छा है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स के साथ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय.